सेल्फ मारो, बस बस छोड़ो, इसका कहानी खत्म हो गया है। बस बस छोटू बंद करो, यहाँ से डीजल आना चाहिए इस इंजन का। इंजन का तो नहीं, पंप का कहानी खत्म हो गया। चलो इसका पंप ज़्यादा निकालो बाहर, देखते हैं क्या हुआ। कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RNT कार सर्विस के इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों, ये मेरे पास स्विफ्ट जो टूर है डीजल गाड़ियाँ, वो बहुत ही बड़ा कंप्लेन है, जो कि रनिंग में एयरपोर्ट के सामने जब गाड़ी हाईवे में चल रही थी, 70-80 के स्पीड में गाड़ी चल रहा था, उसमें अचानक क्या हुआ, गाड़ी ऑफ पड़ गया। अब ऑफ पड़ गया तो ड्राइवर को तो मालूम होता है भाई, किसी फॉल्ट के, छोटा सा फॉल्ट की वजह से गाड़ी मेरा ऑफ हुआ रहेगा। लेकिन उस फॉल्ट को नज़रअंदाज किए और ये गाड़ी साइड में डाल के सेल्फ मार मार के पूरा बैटरी डाउन कर लिए हैं। और मेरे पास गाड़ी है नाइट में लगभग 12 बजे 12:30 के आसपास में ये गाड़ी टोइंग होके आई है। अब इस गाड़ी में हम लोग यहाँ पे डीजल देखे, जो की ऑन करते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं, जो टंकी में जो मोटर होता है वहाँ से डीजल सप्लाई कर रहे हैं, पंप के पास भी डीजल आ रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पास में लेके बताऊंगा, वो क्या प्रॉब्लम हो गया है इस गाड़ी में, पंप का प्रॉब्लम है। जो फ्यूल पंप, जैसा कि दोस्तों ये फ्यूल पंप होता है और फ्यूल पंप से यहाँ से पूरा इंजेक्टर को सप्लाई करता है। तो अब यहाँ पे हम की ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। थोड़ा की ऑन कीजिए और यहाँ पे देखिए, मैं फ्यूल का जो मेन पाइप होता है इंजेक्टर को जाता है, वो मैं खोल दिया हूँ। ऑन कीजिए, कर दिया। हाँ, की ऑन है, लेकिन ये पंप जो है डीजल सप्लाई नहीं कर रहा इंजेक्टर को, जो कि ये स्टार्ट हो। तो हमने जो मेन पाइप है, ऑफ कीजिए की, तो ये मेन पाइप को भी निकाल के यहाँ से देख लिया, मस्त आ रहा है डीजल, जो कि मैं इस बोतल में पकड़ा हूँ। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, यहाँ पे दोस्तों एक सेंसर होता है नीचे सा, नीचे छोटू दिखाओ पास में, इस सेंसर को मैं निकालता हूँ, नहीं दूर से ही दिखाओ, परवाह नहीं, मैं इस सेंसर को निकाल के दिखाता हूँ, इसमें डीजल आ गया है, ऑयल आ गया है। इसमें दिखाओ छोटू, ये भीगा भीगा ऑयल दिख रहा है ना, ये इसमें इंजन ऑयल आ गया। इंजन ऑयल कैसे आया है, क्यों आया है, वो मैं तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इसलिए शॉर्ट सर्किट हो गया और इसके जो अंदर जो छोटा सा ऑयल सील होता है वो आके सेंसर का करंट सप्लाई नहीं हो रहा है और ना ये डीजल सप्लाई कर रहा है पंप। तो सरासर ये डीजल, ये फ्यूल पंप का प्रॉब्लम है। इस तरह का फॉल्ट हो, रनिंग गाड़ी में चलते चलते गाड़ी आपका इंजन ऑफ हो जाए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ करके देखिए, इंजन सेल्फ हो रहा है, तो इंजन में कुछ दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा सेंसर का वायर का, मतलब जो साइड फिटिंग होता है उसका फॉल्ट होता है। और जब इंजन ऑफ हो जाए, इंजन जाम है, तो उस कंडीशन में डरने वाली बात होती है। तो इस गाड़ी में सिर्फ छोटा सा प्रॉब्लम है फ्यूल पंप का, तो इसका फ्यूल पंप हम लोगों ने रिमूव करेंगे और दिखाएंगे उसमें क्या फॉल्ट है, क्या सर्विस करना पड़ेगा। इसमें डीजल ही नहीं सप्लाई कर रहा है पंप, इसलिए इंजेक्टर को सप्लाई नहीं कर रहा, इसलिए इंजेक्टर फायरिंग कर रहा है पिस्टन को, ना वो बर्निंग होकर गाड़ी स्टार्ट हो रही है इसका। चलिए फ्यूल पंप को कैसे रिमूव करूँगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ये पंप, ये सोलनाइट स्विच है, वो खोलने से पहले इसका कपलर में करंट चेक करेंगे, इसमें करंट सप्लाई हो रहा है 12 वोल्ट या नहीं, शायद करंट की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए इसमें चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने वायर को लगाया है, की ऑन करो, एकदम थोड़ा सा स्लो करो, बस 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 ऑफ करो। तो मैंने इसमें करंट चेक किया, उसमें करंट बिल्कुल आ रहा था, आपको रीडिंग दिखाया मैं छोटा सा। अब बारी है इसका, जो ये स्विच है, इस स्विच को चेक करना कि स्विच बड़ा बढ़िया है कि खराब है। तो इस बैटरी में एक निगेटिव पॉजिटिव दो टर्मिनल है और इसमें भी अंदर लगाएंगे, ये टक टक साउंड आना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों, मैंने निगेटिव पॉजिटिव दो टर्मिनल है, इसमें पहले से एक लगाया है, छोटू पास में लेके आओ, और इसमें एक वाले में टच करेंगे तो एक साउंड आना चाहिए, देखिए पास में और लेकर साउंड सुनो भाई साहब को, साउंड आपको सुना रहा होगा कि मेरा जो स्विच है बिल्कुल बढ़िया है, काम कर रहा है, टिक टिक, देखिए फिर से बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी है पंप का, तो अब पंप को खोल के देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। फिर से एक बार और ऑन करो, सेल्फ मारो, हाँ बस 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 मारो अभी दोस्तों। स्विच तक तो जो यहाँ सेंसर है वहाँ तक तो डीजल सप्लाई कर रहा है, पर एक बार आके और वो फिर दोबारा नहीं आ रहा है, तो इसका प्रॉब्लम पंप है। हेलो, बोला हूँ ना, पंप है, पंप गया है। तो खोलने के लिए आपको इधर वाईकम का भी खोलना पड़ेगा, वाईकम पंप, इसमें कोई जोर जबरदस्ती मत कीजिए, पहले वाईकम आराम से खोल लीजिए, फिर जो T30 आता है उसका 3 वोल्ट आता है इस पंप में, फ्यूल पंप में।
तो यही है फ्यूल पंप जिसका फॉल्ट इस गाड़ी में था, इंजन ऑयल है ना, तो इसको सर्विस के लिए पंप रूम में भेजते हैं। ये सर्विस होने वाला है कि क्या है पहले ये वही बताएंगे चेक करके। इसमें देखिए ऐसा है, बिल्कुल इसी तरह का होता है, इसमें भी लॉक होता है हमारे पास, देख इसमें भी लॉक होता है, जब भी इसमें लगाना हो तो लॉक देख कर ही लगाए। भाई साहब तो जो इसका फ्यूल पंप है वो मैंने चेक कराया इसको पंप रूम में, आपको वीडियो देख दिखाता हूँ इसके बाद। ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे ये सर्विस होके आ चुका है। तो जैसा कि मैं दोस्तों पंप रूम में आ चुका हूँ और ये डीजल का जो फ्यूल पंप है उसको ये हमारे भाई साहब चेक कर रहे हैं। इनका दोस्तों जो ये पंप रूम है ना वो साइन डीजल बर्मो ब्रिज के लेफ्ट है, ऊपर बेंगलोर में। ये बहुत ही अच्छा इनका काम है, मुझे बहुत ही अच्छा पसंद होता है। तो पंप सही है, उसको गैरेज में लेके चलते हैं। अब गाड़ी में चलते हैं, किस प्रॉब्लम से ना ये फिर रहा है ना ये डीजल सप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए डायरेक्ट गाड़ी के पास चलता हूँ। जहाँ तक हम लोगों का नॉलेज गया वहाँ तक पंप को सर्विस करा दिए, पंप चेकअप होके आ गया, बिल्कुल बढ़िया है। और एक चीज़ गेस करने वाली बात है, जो यहाँ वाइकम फिटिंग होता है इसमें और इसमें फ्यूल पंप फिटिंग होता है। तो गाड़ी सेल्फ करके देखते हैं कि ये मेरा कैम राउंड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ले रहा है तो क्या फॉल्ट हो सकता है, नहीं ले रहा है तो बहुत कुछ फॉल्ट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे बैटरी वायर को डालता हूँ, बैटरी वायर डाल दिया, जिसका मेन है जो मोटर से इस टंकी से आता है डीजल, उसको मैं बाटल में डाल दिया हूँ। अब इसमें सेल्फ करके देखता हूँ। छोटू सेल्फ मारो जरा, वाह वाह वाह, मारो एक बार और। ये फ्यूल पंप का कैम है, बस बस रुको। और ये हुआ आपका वाइकम का, और यहाँ से ऑयल आ रहा है जो आइकम में आता है, जो हवा बनाता है, बूस्टर को भेजता है। छोटू एक बार और मारो, बस बस बस। तो इसका पूरा जो टाइमिंग चेन होता है वो शायद कट चुका है या कैम टूटा है, इसका वीडियो देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा कि इस गाड़ी में क्या हुआ था, क्यों कैम नहीं फिर रहा है। चलिए दोस्तों जहाँ तक हमने गेस किया था उससे भी ज़्यादा इस गाड़ी में काम आ चुका है। तो सेकेंड पार्ट देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सोचे नहीं थे कि छोटा सा प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम ला सकता है। क्या हुआ है, इसका टाइमिंग चैन रनिंग में कट गया है। सेकेंड पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।